हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं समर सीजन स्पेशल मैंगो कुल्फ़ी आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। ये खाने में बहुत ही यमी और टेस्टी होता है। उसके साथ ये बस तीन ही इंग्रेडिएंट से बन जाता है। मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो राइप मैंगोस लिए हैं और इनमें से मैं एक मैंगो का यूज़ करूँगी, तो इसे मैं सबसे पहले कट कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लीटर मिल्क लिया है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा मिल्क अलग करके रखूँगी बाद में कॉर्नफ्लावर के साथ यूज़ करने के लिए। अभी मैं इसमें शुगर मिक्स करूँगी। मैं यहाँ पर 4 टेबलस्पून शुगर मिक्स कर रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार शुगर को मिक्स कर सकते हैं। अब हमें इस मिल्क को लगातार बॉयल करना है और बॉयल करते करते इसे रिड्यूस करना है, मतलब इसको गाढ़ा करना है। इसके बाद मैं इस दूध में कॉर्नफ्लावर मिक्स करूंगी। मैंने जो मिल्क को अलग करके रखा था उस पर मैं कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके इसमें डाल दूंगी। इसमें बस मैं आधा चम्मच ही कॉर्नफ्लावर मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इस कॉर्नफ्लावर को धीरे धीरे मिल्क में मिक्स करते जाना है और इस तरह से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना आ जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे और थोड़ी देर उबाल लेंगे। अब मिल्क की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। इसके बाद हमें इसे ठंडा होने के लिए अलग से रख देना है। उसके बाद मैंने जो मैंगो को कट करके रखा था उसे मैं ब्लेंड करूंगी। इसके लिए मैं एक ब्लेंडिंग जार में मैंगो के जो स्लाइसेस हैं वो और उसके साथ जो मिल्क है दोनों एक साथ डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ब्लेंड होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। इनके सबकी मिल्क ठंडी होने के बाद ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो आप उसमें थोड़ी सी लिक्विड मिल्क मिला लें, क्योंकि अगर ज़्यादा गाढ़ी मिल्क हो गई तो आइसक्रीम अच्छी तरह से नहीं बनती। अब मैं इसे आइसक्रीम मोल्ड्स में डाल दूंगी। अब इसमें कैप लगाकर इसे डीप फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख दे 12-13 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए। अब मेरी आइसक्रीम बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है। अब मैं इसे अनमोल्ड करूंगी। आइसक्रीम्स को अनमोल्ड करने के लिए पहले इसे थोड़ा पानी में आप डिप कर ले ताकि ये इजीली मोल्ड से निकल जाए। उसके बाद धीरे धीरे हर एक आइसक्रीम्स को मोल्ड में से निकाल लेना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये आइसक्रीम्स जम गई है। एकदम परफेक्ट मैंगो कुल्फ़ी बनी है। इसी तरह से आप भी अपने घर पे मैंगो कुल्फीज बना सकते हैं, जो बहुत ही इजी है बनाना और वो भी सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो ये था मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएँ और वीडियो को लाइक शेयर कर दें और उसी के साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे चैनल के अपकमिंग वीडियोस को आप ज़रूर देख पाएँ।